नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं शिवानंद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं और एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। टॉपिक है एयर प्रेशर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एयर प्रेशर क्या होता है। एयर प्रेशर के लिए हम यूनिट जो यूज करते हैं पास्कल्स करते हैं। क्या यूनिट होती है हमारी? पास्कल। और एक पास्कल का मतलब क्या होता है आपको, अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा हो तो मैं आपको बताता हूं। प्रेशर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स फोर्स पर यूनिट एरिया। इस हिसाब से एक पास्कल जो प्रेशर होता है, एक पास्कल हम तब कहेंगे जब कोई फोर्स, एक न्यूटन की फोर्स, आपको पता होगा फोर्स के लिए हम यूनिट जो यूज करते हैं न्यूटन यूज करते हैं, तो एक न्यूटन जो फोर्स है वो लगाई जा रही हो एक मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर। यानी हम कोई एरिया एक मान लेते हैं, ये एरिया है। मैं कैमरामैन से कहूंगा ये एरिया आपको कुछ क्लोज दिखा पाए। अगर हम एक मीटर लेंथ और एक मीटर विड्थ के साथ एक एरिया अज्यूम करते हैं और इस एरिया पे, इतने से एरिया पे हम एक न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जो प्रेशर उसके ऊपर आएगा उसे हम एक पास्कल मानते हैं। और आपको जान के शायद हैरानी हो कि इस वक्त एयर के अंदर जो प्रेशर है वो इस कदर हावी है कि हमारे ऊपर हर समय करीब करीब 50 बाइक्स के बराबर वजन हर समय होता है। आपको लग रहा होगा कि मेरे शरीर पर अगर 50 बाइक्स के बराबर अगर वजन है तो मैं यहाँ खड़ा कैसे हूं। एक्चुअली इसके पीछे जो एयर प्रेशर का बड़ा ही मजेदार कह लीजिए फिनोमिना है, ये मैं आपके लिए इरेज कर देता हूं। कि सपोज करिए ये मेरी बॉडी है, ये मेरी बॉडी है और इस पे करीब 50 बाइक्स के बराबर वजन प्रेशर हर समय एग्जर्ट हो रहा है। लेकिन हमें कोई नुकसान इसलिए नहीं होता या हमें महसूस इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर हम सांस ले रहे हैं और ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी वजह से जो प्रेशर होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। कि जो एक्सटर्नल फोर्स, जो प्रेशर एक्सटर्नल हमारे ऊपर लग रही है, जो फोर्स हमारे ऊपर एग्जर्ट हो रहा है, सेम इक्वल फोर्स हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट से भी उसको प्रेशर फील हो रहा है, जिस वजह से वो प्रेशर जो होता है कैंसिल आउट हो जाता है और हमें कोई नुकसान नहीं होता। और आपने देखा होगा कि जब कोई स्पेस में जो एक्सपेरिमेंट के लिए जब जाते हैं जो हमारे साइंटिस्ट हैं, आपने देखोगे कि स्पेशल सूट पहन के जाते हैं, वो एक सूट पहनते हैं स्पेशल। और आपको पता होगा कि जब ऊपर जाते हैं तो किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं होता। जब स्पेस में हम जाते हैं तो हमारे ऊपर कोई भी ग्रेविटी नहीं लग रही होती, कोई एयर प्रेशर नहीं होता उस केस में। लेकिन हमें तो जिंदा रहना है, इसलिए हम क्या करते हैं कि जब भी हम स्पेस में जाते हैं तो एक मास्क लगा के जाते हैं, मुंह के ऊपर भी पूरे शरीर को कवर करते हैं एक जैकेट के अंदर और मुंह पे एक मास्क लगाते हैं जिसमें ऑक्सीजन की हम सप्लाई देते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। उस ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है कि जो हमारा जो प्रेशर होता है, एयर प्रेशर होता है, वो इंटरनली, सिर्फ इंटरनली लग रहा होता है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होती है, सिर्फ इंटरनल प्रेशर होता है। और वो इतना ज्यादा होता है कि अगर हमने बाहर से कोई सूट नहीं पहना तो हम बलून की तरह फूलते जाएंगे और फट जाएंगे। तो इसलिए हम एक स्पेशल जैकेट पहन के जाते हैं ताकि हम उस प्रेशर को कैंसिल आउट कर सकें। चलिए अब इन चीजों को हम आपको प्रेशर के कॉन्सेप्ट को आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाते हैं। और सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो हम रखते हैं सिरिंज का एक्सपेरिमेंट समझते हैं। और इस सिरिंज के एक्सपेरिमेंट में हमें क्या करना है कि बाउल लेना है, उसमें हमें वाटर फिल कर लेना है या कोई भी लिक्विड जो आपका मन करे आप फिल कर लें। आपने देखा होगा होली में जब आप पिचकारी भरते हैं तो पिचकारी किस कंसेप्ट से भरती है वो आपको मैं समझाता हूँ। उसमें वैक्यूम का रोल होता है। इस एक्सपेरिमेंट को मैं अभी लाइव में करके दिखाऊंगा आपको, या पहले हम ऐसा करते हैं कि कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट, ये आपको समझाई देता हूँ। ओके, सिरिंज आप जब भी देखते हैं तो सिरिंज के अंदर जो बनावट होती है उसकी, यहाँ पे एक होल होता है, ये पूरा जो बॉडी होती है वो कवर होती है, यहाँ पे एक आपको इसे क्या बोला जाता है, ये एक
रबर होता है, रबर कह सकते हैं जो वैक्यूम क्रिएट करने का काम आता है, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए हमारे पास काम आएगा। इसको जब हम क्या करते हैं, देखिए जब हम इसको डिप करते हैं वाटर के अंदर, डिप करने के बाद से अपने आप पानी अंदर नहीं भरता, भरता कब है, क्योंकि जब हम इसको इस हैंडल के थ्रू जब हम इसको बाहर की तरफ खींचते हैं तो जो ये एरिया है, रबड़ वाला एरिया है, ये ऊपर की तरफ खींचता है और इस एरिया में जो आगे का हिस्सा है इसमें एक वैक्यूम क्रिएट करता चला जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और जो वैक्यूम सामने क्रिएट होता है तो वो एक स्पेस मिल जाता है वाटर के लिए, और वाटर पे आपको पता है कि हर समय एक प्रेशर, एयर प्रेशर ऐसे एग्जर्ट हो रही है, हर समय एक ऐसे प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है उसके ऊपर, और जैसे ही यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होता है तो एक्सटर्नल फोर्स को याद ही रही है। यहाँ पे क्या था इस केस में, जब तक हम इस हिस्से को ऊपर की तरफ नहीं खींचते तब तक क्या होता है कि यहां से जो प्रेशर आ रहा है और यहां से जो प्रेशर है वो इक्वल होता है, इक्वल होने की वजह से पानी अपने आप ऊपर नहीं चढ़ता, लेकिन जैसे ही हम इसको और ऊपर की तरफ पुश करते हैं तो ये जो एरिया है यहां से जो शिफ्ट करने के बाद यहां तक हमने पुली को खींच दिया है, जो ये रबड़ है सिरिंज का, वो यहां से यहां कर दिया, तो इस एरिया में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और जो वैक्यूम यानी एक खाली स्पेस जहां पे कोई प्रेशर नहीं है, तो जो वाटर का दबाव इस तरीके से था वो आगे बढ़ने लग जाता है वाटर अपने आप एयर प्रेशर की वजह से, और वो अपने आप को कह लीजिए सिरिंज के अंदर पुश हो जाता है पूरा वाटर। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाता हूं मैं आपको लाइव कि सिरिंज काम कैसे करता है। हाँ तो देखिए हमारे पास एक बाउल में हमने वाटर फिल कर रखा है और एक हमारे पास ये सिंपल सिरिंज है या पिचकारी कह सकते हैं आप। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब हम इसको लिड को खींचते हैं बाहर की तरफ तो क्या हो रहा है कि जब ये रबड़ प्लग है ये जैसे जैसे पीछे हो रहा है तो एयर जो है वो इधर भी फिल हो रही है और इधर साइड भी एयर जो है वो फिल होती जा रही है सेम प्रेशर के साथ। तो हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं, जब इस तरीके जब इसको हाथ में छोड़ देते हैं, हम इसको टच नहीं कर रहे हैं, तो ये एक जगह बीच में पर्टिकुलर एक जगह पे रुका पड़ा है क्योंकि इधर से प्रेशर और इधर से प्रेशर बराबर है। अब क्या करते हैं, जब हम इसको डिप करते हैं और अब हम जब इस बैरल को पीछे की तरफ खींचते हैं तो क्या होगा, वाटर के अंदर इस अमाउंट में एयर प्रेशर अवेलेबल नहीं है, इसलिए एक वैक्यूम क्रिएट होता जाएगा क्योंकि अब इसको एयर नहीं मिल रही है, इसके जो पंप का जो नोजल है, जो टिप है आगे की, उस पर हमें कोई भी कह लीजिए कि एयर अवेलेबल नहीं है उसमें सक करने के लिए, तो ये तो उस वजह से क्या होता है कि इस वाले पार्ट में जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट जो हाफ पार्ट है, इसमें एयर फिल नहीं हो पाती क्योंकि वाटर के अंदर डिप करते ही उसमें एयर खत्म हो जाती है, एयर मिल नहीं पाती है, इस वजह से क्या होता है कि एक खाली जगह क्रिएट हो जाती है, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाती है। जैसे अभी देखिए इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, मैं अगर इस जो होल है इसको बंद कर लेता हूँ, देखिए बंद कर लिया और अब मैं इसको ज़बरदस्ती खींचता हूँ, देखो ये पीछे खींच ही नहीं रहा है और जितना खींचेगा ऑटोमेटिक आगे बढ़ गया, देखिए खींच रहा हूँ मैं, देखिए अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्योंकि मेरे अंदर इतना दम नहीं है कि मैं इसमें पूरा वैक्यूम क्रिएट कर सकूँ, ये देखो मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ और जितना वैक्यूम क्रिएट हुआ ये वैक्यूम है, और ये वैक्यूम क्रिएट हुआ है इधर साइड से एक्सटर्नल फोर्स इसको अपने आप आगे को पुल कर देगी, मेरे छोड़ते देखो वो दब जा रहा है खुद ब खुद। इसको जब हम वाटर के अंदर डिप करके इसको चेज करते हैं इसी एक्सपेरिमेंट को, तो क्या होता है जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरीके से वैक्यूम इसके अंदर क्रिएट हो रही है और ये देखिए बिना खींचे ये बैरल अपने आप आगे बढ़ जाएगी, बैरल में ये जो लिड है वो अपने आप ही आगे बढ़ जाती है, देखिए देखिए अपने आप ही बिना छुए इधर का जो प्रेशर है वो तुरंत उसको फोर्स जो है वो उसको आगे की तरफ स्लाइड कर दे रहा है। अब देखिए हम इसको देखते हैं, इस तरीके से वैक्यूम अंदर क्रिएट हो रही है, वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से जैसे हम ऊपर करते हैं सारा पानी ऊपर आ जाता है क्योंकि यहाँ तक इसको वैक्यूम मिला था, वही जैसे स्पेस आपको बताया जो वैक्यूम स्पेस क्रिएट हो रहा था वो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और वाटर के ऊपर इस तरीके से परपेंडिकुलर फोर्स लगाई जा रही है, वाटर के ऊपर हर समय एयर प्रेशर लग रहा है इस तरीके से, और जब उसको जगह मिलती है तो वो एयर प्रेशर ऊपर बढ़ने, वाटर ऊपर बढ़ने लगता है क्योंकि प्रेशर ऊपर से बहुत ज़्यादा है, तो जहाँ जगह मिलती है वाटर अपने आप ही पहुँच जाता है उसी जगह पर। तो ये आपको जो पूरा इसका जो सिरिंज का कंसेप्ट है, सिरिंज कैसे काम करती है ये आपको पता चल गया। एयर प्रेशर के लिए हम आपको एक एक्सपेरिमेंट और करके दिखाएंगे, पर उससे पहले उसकी जो बेसिक बातें हैं वो हम बोर्ड पे जान लेते हैं। हाँ तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि सिरिंज कैसे काम करती हो, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो प्रेशर कैसे काम करता है, और ये डे टू डे लाइफ में आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, पर आपको उसके लिए नोटिस करना पड़ेगा कि चीजें कैसे वर्कआउट हो रही हैं। आप अपने डे टू डे लाइफ में आसपास
देखते रहिए, हर जगह आपको फिजिक्स किसी ना किसी फॉर्म में आपको नजर आ जाएगी। अब एयर प्रेशर के ही एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए कुछ चीजें मैं आपको और समझाता हूँ। इसके लिए चलिए मैं आपको एक्सपेरिमेंट भी करा देता हूँ। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक माउंटेन ड्यू के बोतल की। जी हाँ, आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो, और डर लगे तो डर के आगे जीत है। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पैसे नहीं देते मुझे ड्यू वाले, लेकिन बोतल हमारे बहुत काम की है। चलिए तो एक्सपेरिमेंट शुरू करने के लिए हमारे पास एक ऐसी बोतल चाहिए, ठीक है, और एक बलून चाहिए, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, देखिए अगर मैं इसके अंदर ऊपर से एयर प्रेशर लगाने की कोशिश करूं तो नहीं लग सकता, देखिए कोई एयर अंदर नहीं जा रही है, वैसे टेस्ट अच्छा आ रहा है। अब देखिए हम इस बलून को क्या करते हैं, इसके अंदर भर देते हैं, और जो बलून का एंड है उसको हम इसके ऊपर ऐसे करके चढ़ा देते हैं इस पर, ठीक है। सावधानी से करिएगा नहीं तो बलून आपका एक रुपये का खराब हो सकता है। देखिए अब हमने इसको ऐसे चढ़ा लिया, और अब हम कोशिश करते हैं कि इस बलून को फुलाया जाए, क्योंकि अगर आप देखिए आपके पास अगर बलून है और आप इसको इजीली अगर फुलाना चाहते हैं तो बलून फूलता कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। आपने बलून लिया इस तरीके से, आप फुला पाते हैं इजीली, क्योंकि आप इसको ओपन एरिया में आप इसको फुलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप इजीली इसको फुला पाते हैं। और जब आप ये अपने आप क्यों नहीं फूल रहा है, क्योंकि इस पे जो इंटरनल प्रेशर है और जो एक्सटर्नल प्रेशर है दोनों इक्वल है, इसलिए अपने आप नहीं फूल रही है। लेकिन जब हम इसमें अपने मुंह से हवा देते हैं तो हमारा जो प्रेशर है, जो ऑलरेडी एयर के अंदर जो प्रेशर अवेलेबल है वो प्लस जो हम ब्लो कर रहे हैं अपने माउथ के थ्रू, वो दोनों ऐड होके वो प्रेशर ज्यादा हो जाता है। इसलिए बलून के ऊपर थोड़ा सा खराब है बलून, माफ करिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे एक छेद है छोटा सा। चलिए इंटरनल प्रेशर प्लस जो हम ब्लो कर रहे हैं दोनों प्रेशर मिलके इसको बाहर की तरफ उठा रही है, और इसके जो सराउंडिंग जो एयर है उसके प्रेशर को ये पुल कर रहे हैं बाहर की तरफ आउटवर्ड, और इसलिए ये फूलता जा रहा है। पर इसको हम कोशिश करते हैं इस बॉटल के अंदर बलून को हमने डिप करके, और बलून का जो एंड है उसको हमने ऐसे लगा लिया है, अब क्या पता देख पा रहे हैं, और अब हम इसको कोशिश करना फुलाने की। देखिएगा एक मेरे कलीग हैं यहाँ मेरे पास, मैं उनको देता हूँ कोशिश करने के लिए, और वो कोशिश करके आपको देखेंगे क्या, मैं तो नहीं फुला पाया, वो क्या पता फुला पाए इसको बलून को। तो राज सर ट्राई करिए जी, थोड़ा सा हाथ हटा लीजिए ताकि स्टूडेंट देख पाए इजिली, करीब करीब रहे। बिल्कुल मेरे बस की नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए हम इसके एक काम करते हैं कि इस बलून को फुलाने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक छोटा सा होल कर देते हैं बॉटल के अंदर। सावधानी से करिएगा क्योंकि ये जो खंजर है वो आपके हाथ में भी लग सकता है, ठीक है। तो इट इज वेरी हार्ड टू पियर दिस, ठीक है। अब हमने एक होल कर दिया यहाँ पे, छोटा सा होल किया हमने, और अब देखेंगे हम इस बलून को दोबारा से फुलाने की कोशिश करेंगे। इजीली आप देखें फुल, अब आप इस बलून को फुला सकते हैं। राज सर आप भी देख पा रहे हैं, जी जी बलून इजीली एग्जैक्टली फुल पाता है। क्यों फुल पाता है, क्योंकि बॉटल जो है इसमें जब हमने यहाँ पे बलून को एडजस्ट कर रखा था बलून को, और उसको फुलाने की कोशिश कर रहे थे, तो हम बाहर से जो प्रेशर दे रहे थे, क्योंकि जो यहाँ जो अंदर प्रेशर था जो कि अवेलेबल एयर थी यहाँ की, वो एग्जर्ट नहीं हो पा रही थी, कहीं बाहर नहीं जा पा रही थी, और इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों बराबर हो रही थी, इसलिए बलून को स्पेस नहीं मिल पा रहा था। एक तो क्योंकि दो चीजें समझ सकते हैं इससे कि जो एयर होता है वो जगह ऑक्यूपाई करता है, हम कहते हैं कि एयर हमको दिख नहीं रही है, लेकिन हम मानते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि एयर जो है वो स्पेस घेरती है, एयर्स एक्वायर्स
एरिया, इस कंसेप्ट से आप ये भी समझ सकते हैं कि एयर ने एक एरिया अक्वायर कर रखा है तभी इस बलून को ये फूलने नहीं दे रही है। लेकिन जैसे ही हम एक होल करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा होल कर देते हैं, तो क्या होता है कि हम जो ऑलरेडी एयर अवेलेबल है इसमें, एयर प्रेशर जो अवेलेबल है, प्लस हमने जो एयर ब्लो कर रहे हैं अपने मुंह के थ्रू, दोनों ऐड होके इधर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है। और ये दोनों प्रेशर ऐड होने के बाद से जो एक्सटर्नल फोर्स इस पे, अब क्योंकि बाहर से एयर आ रही है तो एक्सटर्नल फोर्स इस पे बलून के ऊपर वाले एरिया में अप्लाई हो रहा है, और लेकिन हमारे जो माउथ से जो हम प्रेशर दे रहे हैं और प्लस जो इंटरनल प्रेशर था वो ज्यादा होने की वजह से अब बलून को फूलने में पूरी मदद मिल रही है, बलून आगे तक फूल पा रहा है। अब देखिए, मैं बलून इस तरीके से तो फूल पा रहा है, इस तरीके से तो फूल पा रहा है, लेकिन अब मैं बलून को फुलाऊंगा नहीं। अब मैं दूसरा कंसेप्ट आपको समझाता हूं, मैं करूंगा वैक्यूम क्रिएट। मैं यहां पे करूंगा वैक्यूम क्रिएट। बलून को अब हम एक्सटर्नल प्रेशर से फुलाएंगे नहीं, एक्सटर्नल प्रेशर से हम इसको फुलाएंगे नहीं, अब हम क्या करेंगे इसमें एक वैक्यूम क्रिएट करेंगे। और वैक्यूम कैसे क्रिएट करेंगे कि जो बॉटम के अंदर जो एरिया एयर अवेलेबल है उसको हम सक करके बाहर निकाल देंगे। कोशिश करते हैं, ये देखिए, अब तो मैंने कोई फोर्स भी नहीं लगाया, देखिए अब बलून फूला पड़ा है, बलून के पीछे हमने कोई रुकावट भी नहीं लग रही, कोई बैरियर नहीं लगा रखा, बलून को फूला रखने के लिए हमने कोई बैरियर नहीं लगा, बलून अपने आप फूला पड़ा है। क्यों फूला पड़ा है? क्योंकि हमने बॉटल के अंदर से सारा एयर बाहर लिया, सारा तो नहीं कभी आधा ही किया है क्योंकि उतनी जान मेरे में है नहीं अभी, तो आधा आधा एयर हमने बाहर निकाल दिया है, तो अपने आप बलून बाहर का एयर प्रेशर, बाहर से जो बॉटल के बाहर से जो एयर है, जैसे ही हमने इसमें वैक्यूम क्रिएट किया सारा एयर हमने बाहर निकाल दिया, तो बाहर का जो एयर था उसको जगह मिल गई, क्योंकि जो एरिया है वैक्यूम क्रिएट हुआ, बाहर का जो प्रेशर है वो अपने आप बलून को बिना कोई एक्सटर्नल कह लीजिए कि इंटरफेयर के बगैर, हमने कोई इंटरफेयर नहीं किया, यहाँ से कोई हमने एयर नहीं की, माउथ का यूज नहीं किया, पर जो उसमें इन्वायरमेंट में जो अवेलेबल एयर प्रेशर है उसने बलून को खुद बा खुद फुला दिया। और एग्जाम्पल आपके सामने है, देखिए, देख पा रहे होंगे। तो चलिए, आज हमने कंसेप्ट समझ लिया एयर प्रेशर का, तो बने रहिए हमारे चैनल पे और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लाते रहेंगे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, बट आपको उसके लिए थोड़ा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा, और वो अमाउंट होगा आपका सब्सक्रिप्शन। एक्चुअल में अमाउंट नहीं है, एक सपोर्ट है, आप सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरीके के नए नए कॉन्सेप्ट आपके सामने लाने के लिए। और थैंक यू सो मच, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए प्लीज अपना सपोर्ट दिखाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नॉलेज को बढ़ाते रहिए, क्योंकि नॉलेज इज पावर। थैंक यू सो मच।